सीओपीडी के लक्षण क्या है, क्या आपको सीओपीडी भी है? चार मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं सीओपीडी के पेशेंट्स के। सबसे पहला होता है क्रोनिक कफ, यानी लंबे समय की खांसी। दो हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी रहती है तो उसको क्रोनिक कफ बोला जाता है। दूसरा जो रहता है वो एस्पेक्टोरेशन, यानी बलगम निकलना, खांसी के साथ थूक निकलना। प्राइमरी सुबह में एक बलगम ज़्यादा निकलता है। तीसरा जो प्रॉब्लम रहता है वो सांस लेने में तकलीफ, यानी पहले पेशेंट को जब चलेंगे बहुत तब सांस लेने में तकलीफ होगी, धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ने के बाद बैठे बैठे भी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होना चालू होती है। चौथा जो प्रेजेंटेशन होता है वीजिंग, यानी ये पेशेंट जब सांस लेते तब इस तरीके से आवाज़ आना चालू हो जाता है। और कुछ पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस या चेस्ट पेन जैसी प्रॉब्लम्स भी होती है। ये पांच प्रॉब्लम्स सीओपीडी वाले पेशेंट को हो सकती है।